हर्ष न्यूज़ की सारी खबरें आप तक। दक्षिण पश्चिमी जिले की एंटी स्नैचिंग सेल की टीम ने दिल्ली के दो अलग अलग इलाकों से एक चोर के साथ एक रिसीवर को गिरफ्तार किया। दक्षिण पश्चिमी जिले की एंटी स्नैचिंग सेल की टीम ने घरों में चोरी और स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम देने वाले एक चोर की गिरफ्तारी के साथ एक रिसीवर को भी गिरफ्तार कर लिया है और चोरी के कई मामलों का खुलासा किया है। गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से 15 चोरी के मोबाइल फोन बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपी व्यक्ति की पहचान भूपेंद्र निवासी फरीदाबाद हरियाणा के रूप में हुई है, जिसके ऊपर सेंधमारी घरों में चोरी के 23 मामले दर्ज बताए गए हैं, जबकि रिसीवर की पहचान सोनू के रूप में हुई है, जो रहने वाला बदरपुर का है। डीसीपी मनोज सिंह ने सोमवार की रात मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि विशेष रूप से घरों में चोरी मामलों को सुलझाने का काम एंटी स्नैचिंग सेल की टीम को सौंपा गया था। टीम द्वारा लगातार क्षेत्र में जाल बिछाया जा रहा था। इसके अलावा तकनीकी निगरानी भी रखी जा रही थी और गुप्त मुखबिरों को भी इस काम पर लगाया गया था। इसी बीच 2 फरवरी को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि एक हताश चोर इलाके में आने वाला है। सूचना को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साझा किया। इसके बाद एसीपी देवेंद्र कुमार सिंह के निर्देश पर एंटी स्नैचिंग सेल के इंस्पेक्टर मुकेश कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और मिली जानकारी के अनुसार टीम ने छापेमारी कर जाल बिछाते हुए आरोपी भूपेंद्र उर्फ बल्ले को गिरफ्तार कर लिया। उसकी तलाशी लेने पर 7 मोबाइल फोन और एक एयरपोर्ट बरामद किया। पूछताछ में पता चला कि आरोपी 2 माह पहले ही जेल से छूट कर आया था। वह आज तक जो है और घरों से मोबाइल फोन लैपटॉप पर चलाता था। चोरी किए गए मोबाइल फोन को एक रिसीवर सोनू को बेचता था। आगे की कार्रवाई करते हुए बदरपुर में छापेमारी की गई तो रिसीवर सोनू को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से चोरी के 8 मोबाइल फोन बरामद किए। इनकी गिरफ्तारी के साथ कुल 12 सेंधमारी घरों में चोरी के 4 मामले और कई अन्य मामलों का भी खुलासा किया गया है। इस मामले में दोनों आरोपियों के कब्जे से टोटल 15 चोरी के मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जहां दोनों आरोपियों से की जा रही है पूछताछ।